बांदा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर गरीब व असहाय लोगों को बांटे गए कंबल। आपको बता दें कि माना जनपद के बबरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत कमासिन कस्बे में जहां पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चंद्र कुरिल एवं पत्नी आशा देवी कुरिल के द्वारा मन्नत पूरी हो जाने पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भंडारा व इसके बाद गरीब व असहाय लोगों को निःशुल्क कंबल बांटे गए। इस दौरान लगभग 400 लोगों को गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर गरीब असहाय वृद्ध लोगों को ग्राम प्रधान व प्रधान पति रमेश चंद्र कुरिल द्वारा निःशुल्क कंबल बांटे गए। नवबारा समाचार बांदा उत्तर प्रदेश से नंदुराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कुछ कहा नहीं जा सकता, आज लोकतंत्र को की हत्या करने वाले लोकतंत्र के रक्षक बहुत ऐसे हैं, वो सभी आप लोग जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। आज के अखबार में आज लोकतंत्र की स्थापना भी हुई और आज उसी अखबार में लिखा है कि लोकतंत्र गणराज्य अवसर पर मंदिर की स्थापना साथ साथ ही और क्या क्या आपने कार्य किया? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, आज के दिन आज़ादी मिली थी, स्वतंत्र रूप से आज़ादी मिली थी, क्योंकि हमारी पत्नी ग्राम प्रधान है आशा देवी को लॉकडाउन में तबीयत खराब हो गई। हमने मनौती मानी थी कि दरवाजे के बाहर ब्रह्म बाबा का पेड़ है, शिव जी का मंदिर बनवाएंगे। हमने मंदिर बनवाया, आज उसका उद्घाटन हुआ, यहाँ पर भंडारा कार्यक्रम हुआ। उसके साथ साथ हर वर्ष 5-6 कंबल हम लोग गरीब गरीबों को आज हमारा कार्यक्रम सभी लोगों को कंबल वितरण किया गया। अगर अपने अपने घर जा रहे हैं और हर वर्ष हम प्रधान रहे या न रहे, हर 26 जनवरी को अगली 26 जनवरी भी आएगी तब भी कंबल वितरण कार्यक्रम करेंगे, भंडारा करेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र कुरिल, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत।